अब हमारे पास टॉपिक है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? इस तरह का एक्सप्रेशन ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, जिसमें कि a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m, दिस इज कॉल्ड ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मोड्यूलो m। अब किसी x नॉट को, किसी इंटीजर x नॉट को इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब कहा जाएगा? अगर x नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि ax नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, मतलब कि अगर m डिवाइड करे ए एक्स नोट माइनस बी को, ठीक है। जैसे कि x इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि x को 2 अगर हम यहां पुट करें तो ये कॉन्ग्रुएंस हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। x को 2 पुट किया तो ये हो गया 8, और 5 डिवाइड करता है 8 माइनस 3 को, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2 इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x को 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 12, और 5 12 माइनस 3 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पास पहली थ्योरम है कि अगर x नॉट किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है और x1 कॉन्ग्रुएंट है x नॉट को, तो x1 भी उस लीनियर कॉन्ग्रुएंट का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। x नॉट अगर किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है और x नॉट फर्दर कॉन्ग्रुएंट है x1 को, तो x1 भी उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। प्रूफ आसान सा है, क्योंकि x नॉट इसका सॉल्यूशन है, x नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x1 कॉन्ग्रुएंट है x नॉट को, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ax1 कॉन्ग्रुएंट है ax नॉट को, ax नॉट कॉन्ग्रुएंट था b को, तो ax1 कॉन्ग्रुएंट हो गया b को। इसका मतलब x1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। अगली थ्योरम है कि किसी भी लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब आएगा? इफ एंड ओनली इफ a और m की gcd डिवाइड करे b को, a और m की gcd डिवाइड करे b को, तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन आएगा। इफ एंड ओनली इफ में हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने माना कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई सॉल्यूशन है, से x नॉट इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो x नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m। इसका मतलब m डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, सो m डिवाइड करेगा ए एक्स नॉट माइनस बी को। डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी, ए एक्स नॉट माइनस बी इज इक्वल टू के इन टू एम, वेयर के इज एनी इंटीजर। इधर से b की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, ए एक्स नॉट माइनस के एम इज इक्वल टू बी। अब हमने मान लिया कि मान लो a और m की जीसीडी कितनी आ रही है, d, और हमें प्रूफ करना है कि इनकी जीसीडी b को डिवाइड करनी चाहिए, मतलब कि d डिवाइड करता हो b को, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ क्योंकि d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है a और m का, तो कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब d a को भी भाग करता है, m को भी भाग करता है। क्योंकि d a और m दोनों को भाग करता है, वो इनके कॉम्बिनेशन को भी भाग करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू b थी, इसका मतलब d भाग करेगा b को, और वही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब हमने कन्वर्स पार्ट में माना कि d भाग करता है b को, जिसमें d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a और m की gcd को, और हमें दिखाना है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि d भाग करता है b को, भाग की डेफिनेशन लगा दी, b इज इक्वल टू के इन टू डी फॉर सम इंटीजर k। d था क्या, a और m की gcd, फिर वो थ्योरम लगा दी कि हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलेंगे x नॉट और y नॉट, सच दैट d इज इक्वल टू a इंटू x नॉट प्लस m इंटू y नॉट। अब d के साथ क्या है, k, तो दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर kd की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, b, ठीक है। सो kd की जगह वैल्यू पुट कर दी b, b को इस तरफ ले गए, k m y नॉट को उस तरफ ले गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ m, इसका मतलब m डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस में क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, इसका मतलब के एक्स नॉट इज ए सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ठीक है। देखने से ही पता चल रहा है ना कि के एक्स नॉट इसका सोल्यूशन है, और यही हमें प्रूफ करना था कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आना चाहिए। अगली थ्योरम है, अगर a और m के जीसीडी d है और d भाग करता है b को, तो अभी अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर आएगा, लेकिन इस थ्योरम में हम क्या दिखाएंगे कि इसके एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन आएंगे, इसके एग्जैक्टली डी सॉल्यूशंस आएंगे, और जो डी सॉल्यूशंस आएंगे वो आपस में सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सो हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिखा, साथ में ये लिखा ए और एम की जीसीडी है डी, और डी भाग करता है बी को,
और फिर ऊपर वाली थ्योरम से कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आएगा, उसको नाम दे दिया एक्स नोट, जो कि इसका सोल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया ए एक्स माइनस एक्स नोट। बी में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया जीरो। इसका मतलब एम डिवाइड करेगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, इन दोनों एम डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब कि एम डिवाइड करेगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट को। ठीक है, अब देखो ए और एम की जीसीडी कितनी थी, डी। इसका मतलब डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ए का भी और एम का भी। इसका मतलब डी ए को भी भाग करता है और एम को भी भाग करता है। डेफिनेशन लगा दो भाग की, ए इज इक्वल टू ए वन डी एंड एम इज इक्वल टू एम वन डी, जिसमें ए वन और एम वन की जीसीडी कितनी आएगी, वन। ये रिजल्ट हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, एम और ए की वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट कर दो, एम की पुट कर दी, ए की पुट कर दी, ये ऐसे कैसा, डी से डी कट गया, क्या आ गया, एम वन डिवाइड करता है ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नोट को, लेकिन एम वन की जीसीडी ए वन के साथ कितनी थी, वन, तो पक्का एम वन किसको डिवाइड करेगा, एक्स माइनस एक्स नोट को। डिवाइड की डेफिनेशन लगा दो, एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू एम वन के एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एम वन के। अब ये कह रहे हैं कि के क्या था हमारे पास, के की डेफिनेशन कहां पर आई थी, यहां डिवाइड की डेफिनेशन से। के क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो के तो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर हम के की वैल्यू जीरो से लेकर डी माइनस वन तक लेते हैं तो जो सॉल्यूशंस आएंगे वो तो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे और बाकी जो सारे हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जब हमने के को जीरो लिया तो सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स नॉट। वन लेंगे तो एक्स नॉट प्लस एम वन, दो के लिए एक्स नॉट प्लस टू एम वन, डी माइनस वन के लिए एक्स नॉट प्लस डी माइनस वन एम वन। ठीक है, ये हमने डी सॉल्यूशंस लिए हैं, हमें ये दिखाना है कि ये सारे आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं और बाकी जितने हैं वो इनमें से ही किसी एक को, कोई किसी को और कोई किसी को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी शैल प्रूव दैट बाय पुटिंग के ग्रेटर देन इक्वल टू डी, अगर हम के की वैल्यू डी या उससे ज्यादा लेते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे इन्हीं में से कोई एक। तो हमने क्या कहा, मान लो के बड़ा है कोई नंबर डी से, फिर हमने के को डी से भाग किया, के को हमने डी से डिवाइड किया। ठीक है, सपोज क्वेश्चन आ गया पी, रिमाइंडर आ गया आर, के को हमने लिख दिया डीपी प्लस आर, वेयर पी इंटीजर है और रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन है वो जीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन जिससे डिवाइड किया है डी उससे छोटा है। इसके बाद जो एक्स था, एक्स नोट प्लस एम वन के, उसमें हमने के की वैल्यू पुट कर दी, इसको खोल दिया। ठीक है, इसमें से एम वन डी की वैल्यू एम पुट कर दी, एम वन डी की वैल्यू एम पुट कर दी इसको, और इसको हम उस तरफ ले गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ एम, इसका मतलब एम डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड को, और कॉन्ग्रुएंस में हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मोड एम। ठीक है, इसका मतलब कि, और जिसमें आर के ऊपर हमारी क्या कंडीशन आई थी, वो जीरो या जीरो से बड़ा था लेकिन डी से छोटा था, डी से छोटा था, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डी माइनस वन। इसका मतलब कि यहां पर देखो हमने एक्स क्या लिया था, एक्स नोट प्लस एम वन के, जिसमें हमने के क्या माना था, ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो अगर हम के की वैल्यू डी या उससे बड़ी लेते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो इन्हीं सॉल्यूशंस में से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये सॉल्यूशन कौन से थे, जिनमें आर की वैल्यू कहां से कहां तक थी, जीरो से लेकर डी माइनस वन तक की। इसका मतलब डी और उसके बाद वाले के की वैल्यू के लिए जितने सॉल्यूशन आएंगे वो इन्हीं में से किसी किसी सॉल्यूशन को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये शो करेंगे कि अगर हम इनमें से कोई दो सॉल्यूशंस लेते हैं, मतलब कि एक सॉल्यूशन ले लिया एक्स नोट प्लस एम वन के वन, एक ले लिया एक्स नोट प्लस एम वन के टू, जिसमें के वन और के टू दोनों हमने कहां से उठाए हैं, जीरो से लेके डी माइनस वन के बीच में से, जीरो और डी माइनस वन के बीच में से, तो ये पक्का कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। और हमने मान इसका उल्टा लिया कि मान लो दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जिनका के वन और के टू किस किस के बीच में है, जीरो और डी माइनस वन के बीच में है। ठीक है, डिवाइड कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन डिवाइड की टर्म्स में क्या होगी कि एम डिवाइड करेगा दिस माइनस दिस को, एक्स नोट से एक्स नोट कट गया, इसका मतलब एम डिवाइड करेगा एम वन इंटू के वन माइनस के टू को, एम की वैल्यू पुट कर दी कितनी थी एम वन डी, एम वन से एम वन कट गया सो डी डिवाइड कर गया के वन माइनस के टू को, लेकिन के वन भी छोटा है डी से, के टू भी छोटा है डी से, उनका डिफरेंस भी छोटा होगा डी से,
और डी अपने से छोटे नंबर को भाग कर रहा है, इसका मतलब वो छोटा नंबर पक्का क्या होगा, जीरो। इट मीन्स के वन इज इक्वल टू के टू, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे थे के वन के टू इक्वल नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग हमने माने थे कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि जीरो से लेकर डी तक की के की वैल्यूज के लिए भी आपस में कोई दो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो डी वैल्यूज हैं एक्स की, ठीक है, जिसमें ये जो के है जीरो से डी माइनस वन तक है, ये सारे आपस में क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। और अगर हम के की वैल्यू डी या उससे ज्यादा लेते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इन्हीं में से किसी एक को कॉन्ग्रुएंट हो रही है। तो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस कितने हैं काउंटिंग में, डी हैं। कैसे, के की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, के की वैल्यू वन पुट करेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा, और के की वैल्यू डी माइनस वन पुट करेंगे तो डीएथ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।